भाई सब बड़े राम राम, गुड मॉर्निंग भाई। सुबह के 4:30 बज रहे और बाहर पड़ रही है धकाधक बारिश। जिम ओपन किया, मुझे लगता तो नहीं वैसे आज शायद कोई आएगा। छोटे भाई का फोन आया था, वो तो आ रहे हैं, पर भाई बाकी होगा कुछ पता नहीं कि आएंगे कि नहीं आएंगे। सच में बारिश में ना यार शरीर टूट जाता है यार, जिम करने का मन नहीं करता बिल्कुल। पर क्या करें, वर्कआउट तो भाई करना ही पड़ेगा। आज शायद बहुत ही ज्यादा कम लोग आएंगे, बहुत ही कम लोग। तो भाई जिम ओपन हो गया। खैर भाई, मैं तो कम से कम 2:30-3 बजे का उठा हुआ था। मैंने अपना वो व्लॉग एडिट किया, सबसे फर्स्ट वाला पहला व्लॉग अपलोड भी कर दिया है मैंने यूट्यूब पर। तो एडिट करते करते, अपलोड करते करते यार कसम से 5 बज गए। और फिर छोटे भाई का भी फोन आ गया। मुझे लग नहीं रहा था वैसे कोई आएगा आज, बट भाई डेडिकेशन होनी चाहिए जिम की। तो भाई सुबह सुबह ठंडा भी बहुत ज्यादा हो रहा है यार। सही, लेकिन मुझे इतनी बारिश नहीं रही है। इतनी बारिश नहीं पड़ रही। भाई टाइम देखो, जिम में भाई डेडिकेशन होनी चाहिए करने की। छोटे भाई आ गए, अब करेंगे जिम वर्कआउट, चेस्ट करेंगे आज। उसके बाद भाई दिखाएंगे फिर पूरे दिन में क्या है, क्या चल रहा है। अरे मोहनलाल था, मोहनलाल का हो गया एक्सीडेंट। और मुझे वो मिला था ना मोहनलाल, तो मैंने कहा भाई क्या हो गया। कह रहा यार एक्स कराने जा रहा। मैं क्यों? कह रहा यार ज्यादा हो गई, इतनी नहीं पीनी थी। अब बताओ, दारू के चक्कर में काम से भी गया। हाँ एक्सरसाइज चल रही है भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो भाई दबा के। तो भाई शाम के 4:30 हो गए। तो भाई सुबह तो भाई कोई जिम नहीं आया, छोटे भाई आए थे। उसके बाद तो भाई मैं पढ़ के सो गया था। और फिर भाई मैं उठा लेट, मैं कहा यार कोई कंटेंट नहीं, फालतू में क्या व्लॉग बनाना, क्यों भाई पब्लिक को बोर करना। तो अभी सीन ये है कि भाई जा रहे थोड़ा नदी की साइड, देखें भाई पानी आया कि नहीं आया नदी में, क्या कंडीशन है। और आपको ये भी दिखाऊंगा कि भाई शहर की वजह से भाई हम गांव लोगों को, गांव वालों को कितना कुछ प्रदूषण झेलनी पड़ती है भाई। चलो भाई बने रहो ब्लॉग में। तो जा रहे हैं हम अपने नदी की साइड भाई, नज़ारों में कोई कमी नहीं मिलेगी है भैया, नज़ारों में कोई कमी नहीं। आज राहुल भैया साथ है भाई मेरे। भाई नज़ारों के मजे लो यार। तो भाई नदी की साइड पहुंच गए, देखो हमारे गांव का पानी का टैंक ये जस्ट अभी बन के तैयार हुआ। भाई नदी तो सूखी पड़ी यार, सूखी। यही रोक लो भैया, वो भी गिर गया। अभी थोड़ा पूछ के परमिशन लेंगे, इसके ऊपर भी चढ़ के एकदम आपको गांव का एकदम फुल ऑन व्यू दिखाएंगे एकदम टॉप से। तो अभी चलते हैं दोस्तों नदी की ओर, चलो भैया। तो भाई जिस प्रदूषण की भाई मैं बात कर रहा था ना, तो भाई ये है वो, देखो
यार ये शहर की, शहर में क्या होता है वो जितना भी अपना कूड़ा कचरा अपनी सीविल लाइन है सब वो हमारी सुसवा नदी में डंप कर देते हैं और वो जितना सब कुछ पानी के साथ देखो यहाँ पर आ जाता है। ये देखो बताओ यार भैया कितने साल से परेशान है हम इससे, कम से कम 10-12 साल हो चुके हैं ऐसी, मतलब 12-15 साल से तो मतलब परमानेंट गंदगी है। मतलब अब देख लो 1995 से पहले तो मतलब ऐसा होता था कि यहाँ के नदी का लोग पानी पीते थे, अब तो भाई अब तो पैर भी नहीं डाल सकते इस पानी में, ये हाल है। बहुत बुरा हाल हो गया है, बहुत बुरा यार। नदी की ये साइड तो भाई पूरी सूखी है, बट शायद उस साइड वाले में पानी आ रहा है। चलो धीरे धीरे वहाँ चलते हैं। यार ये देखो यार कितनी गंदगी है, पानी के साथ क्या क्या बह के आ जाता है। पर यार मौसम बहुत शानदार हो रहा है, आप देखो यार ऊपर मौसम बहुत शानदार है। तो यार जिम में तो आज सुबह सच में कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं। मैं तो अपनी एक्सरसाइज निपटा कर, छोटे भाई चले गए थे अपनी जॉब पे, उसके बाद भाई मैं तो पढ़ के लिटरली सो गया। उसके बाद खुली मेरी 10:30 बजे नींद, दैन फिर नाश्ता किया, उसके बाद थोड़ा मूवीज़ देख रहा था, फिर बोर हो गया, मैंने सोचा यार चलो एक बार नदी की साइड चलते हैं। पानी तो यार इस साइड में काफ़ी ठीक ठाक पानी आ रखा है, चलो दिखाता हूँ आपको। बारिश से पानी तो आ ही गया यार। लेकिन यार अब से कुछ दिन बाद ना हम वो जो सामने ये राजीव नेशनल पार्क वाला पूरा का पूरा राजीव नेशनल पार्क वाली रेंज है, कुछ दिन बाद हम वहाँ पे परमिशन लेके उसके बाद हम व्लॉग बनाएंगे वहाँ पर जाकर। लिटरली यार बहुत ही प्यारा जंगल है, बहुत ही ज़्यादा शानदार। भाई ये देखो यार ये सब आता है यार, ये सब बह बह के आता है ये सब। बहुत परेशान है यार गांव के लोग इससे, और फिर यही पानी जाके हमारी गंगा में मिल जाता है और उसे गंदा करता है। तो दोस्तों अभी अभी हमें देखो नागफल का पेड़ मिला है, अभी इस पे क्या है नागफल बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे हैं, पर शायद भैया कितने टाइम में हो जाएंगे, अभी इन्हें भैया बता रहे 3-4 महीने तो इन्हें लग ही जाएंगे अभी पूरे पकने में। ये देखो यार ऐसे होते हैं। और रोड पे तो आजकल लोग बेच भी रहे हैं बैंगा कितने, कम से कम 100 रुपये पाव 150 रुपये पाव। पर भाई हम तो फ्री में खावे भाई। बहुत ही ज्यादा टेस्टी टेस्टी होते हैं, मतलब खट्टा मीठा स्वाद होता है इनका। हाँ ये जो नदी में इतनी सारी गंदगी आ रही है भाई, जो सिटी वाले एरिया से वो क्या करते हैं अपना जितना भी कूड़ा कचरा होता है सीवर लाइन सब इसमें डंप कर देते हैं और फिर क्या ये पूरी की पूरी नदी गंदी हो जाती है। मैं जित व्यूअर्स हैं जो जो देखते हैं लगभग, वैसे अभी इतनी बड़ी ऑडियंस तो है नहीं, पर मैं सजेशन चाहता हूँ कि इसके रिलेटेड भाई मैं क्या एक्शन लूँ जिससे यार ये प्रॉब्लम कुछ हद तक तो भाई सुधर सके और आने वाला जो भविष्य है ना हमारी आने वाली पीढ़ी तो वो उसी नज़ारे को फील कर सके जो 1995 में हुआ करता था जब ये पानी पीने लायक था। तो यार कुछ सजेशन देना मुझे। तो भाई अभी तो यहाँ से नदी से अब क्या है घर की साइड जा रहे थे, पर अभी प्लान बना कि अपने ये टंकी है मैं अभी तक चढ़ा नहीं हूँ उसके ऊपर, तो एक बार चढ़ते हैं और देखते हैं भाई कैसा चोखा नज़ारा मिलता है भाई गाँव का। भैया तो कह रहे भाई बहुत ही अच्छा नज़ारा है, बहुत कड़ा नज़ारा है, बहुत बढ़िया शानदार है ना, शानदार एकदम। निराश तो नहीं होगा मैं बिल्कुल। तो भाई कूदना पड़ेगा, तो भाई तो भाई जो हमारे गन्ने छीलने वाले के लिए यार जो लड़के आ रखे हैं ना तो बहुत दूर से आ रखे हैं लड़के, तो अभी क्या था आज पर्ची नहीं थी तो वो यहाँ पे ऐसी नदी की साइड घूमने आ गए। भाई तो घर कहाँ पर है अपना बेटे, यार नदी को देख के कैसा लग रहा, अरे मजा आ रहा है,
अच्छा तो लग रहा, और ये गंदगी देख के बहुत ही अच्छा है। तो भाई लड़के बहुत ज्यादा शानदार है यार। और बताओ भाई कैसा लगा जगह देहरादून? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। तो घूमो घूमो यार, पैसे पार मत जाना। हाँ वो फॉरेस्ट वाले चुत्तड़ छेद दे मैं, ठीक है। किन्होंने? तो यहीं से ले लो, इधर से देखते हैं। और क्या जिंदा ठाओ, जिंदा लिया करो यार, जितना महंगा पड़ता है यार। 180 रुपए किलो है चिकन। 200 में देते हैं, 200 में देते हैं। अबे यार तुम तो इतना महंगा क्यों जा रहे हो? अरे 90 रुपए की 100 रुपए पीस ठाओ यहाँ से आराम से। हाँ इधर है, क्यों नहीं है मुर्गा? चलो देख, लेना है लेना है तो चलो आओ। काटने में कितना टाइम लगेगा? क्या चीज देखो। देखो भाई डंगर, डंगरों की मेथी है भाई। Bye.